الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليه با آواز بلند درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلات و سلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگو عزیز نوجوان ساتھیوں آج میں آپ حضرات دے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں عرض کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز فخر الاولیاء حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر دا ذکر پاک کیتا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم اس مرد کلندر دی بارگاہ دے اندر بڑی عقیدت اور پیار اور محبت دے نال اللہ حاضری پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار بیٹے گوڑے تو ہتھ لا دو یار مہربانی اللہ سلامت رکھے تو حضرات ذی وقار آپ دا نام حضرت محمد عثمان ہے کی نام ہے حضرت محمد عثمان آپ دا نام ہے اور آپ حسینی سید نے
सैयदना बातें नहीं करनी, सैयदना हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो, आप दे बेटे ने इमाम जैनुल आबिदीन, ओना दे बेटे ने इमाम बाकर, ओना दे बेटे ने इमाम जाफर सादक, इमाम जाफर सादक दी तेरहवीं पुश्त दे अंदर ए सैयद जेड़ा है अपनी मां दी झोली विच पिया हुंदा है। हजरत जी वकार आप दे बुजुर्ग अबाओ अजदाद बगदाद शरीफ विच रहिंदे सन और फिर उतों हिजरत कीती ते मशहद आ गए, फिर जनाबे वाली मशहद विचों चले ते मरवंद आ गए, मरवंद इलाका है ईरान दा, कितों दा इलाका है ईरान दा इलाका है। आप दे वाली दे गिरामी दा नाम सैयद कबीरुद्दीन इब्राहिम है, आप दे वाली दे गिरामी भी नेक ते मां भी तहज्जुद गुजार ते बाप पर्दा। जिस दिन आप दी शादी होई ना सैयद कबीरुद्दीन इब्राहिम दी हजरत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर आप दी वाली दे गिरामी दी जदो शादी होई ते वापस जदो आंदे सन पे दुल्हन लैके ते रात अंदर एक जमीन ते एक चने दा दाना पिया सी ते आपने चुक के खा लिया ते खान तो बाद ख्याल आया ना तेनू पता है एक किता सी, ना तेनू पता है पाक सी, ना तेनू पता है ए पलीद सी, ना तेनू पता है कौन रख गया सी। ते याद रख ओनी देर तक हुन औरत दे नेड़े ना जावी जब तक इस दाने दा मेदे विचों पेट विचों असर खत्म ना हो जावेगा। कोई गल दी समझ भी आई कि कोई नहीं आई? तो फिर तौन नहीं अल्लाह जुबान दी इनू हिलाइए तो विचों सुभान अल्लाह निकलती है। हां एक वाहद ए सुभान अल्लाह जिदे तुसी इंज बैठे होंदे जिवें कोई 6 महीनियां दा बाल बैठा है ते जिनू सिखाना पैंदा है कि तुसी सुभान अल्लाह भी आखणी है। बाकी हर काम में तुसी बड़े पढ़े लिखे होंदे हो, मौलवी दे सामने तुसी इंज बह जांदे हो चौधरी बन के कि जे सुभान अल्लाह की ना उहदी बिस्ती हो जानी है। ते असी उस बेनियाज मालक दा उहदी रहमत दे साए थल्ले आ जिहड़ा जिन्नी वारी सुभान अल्लाह कवे उन्नी वारी सवाब अता फरमा देता है। तबीयत च ज़ौक लिया के बव्या करो हज़रत दी वकार। 40 दिन, किन्ने दिन? 40 दिन आप अपनी बीवी दे करीब नहीं गए। आखिया जब तक उस चने दे एक दाने दा असर अंदरों खत्म ना हो जावे मैं नेड़े नहीं जावांगा। जदो बाप इतना पाक होवे ते मां इतनी नेक होवे फिर विचो पुत्र सखी शहबाज कलंदर जैसे ही पैदा हो। बात ही समझ आ गई? किन्ने चने खाधे सन? किलो के मन? हाँ जी के पूरा गोदाम ही जी। किन्ने चने? एक दाना। पता लगा नेक औलादा किवें पैदा होंदियां ने। ते जे बंदा सारी दिहाड़ी फ्राड करे, बेईमानी करे, दो नंबरी करे, घट तोले ते आखे औलाद नबी दी आशक आ जाए ते फिर इंज नहीं हो सकदा। ए वलिया दसिया के नेक औलाद होने वास्ते रिज़्क़े हलाल दा अंदर जाना जरूरी है। हज़रत दी वकार शादी हो गई ते फिर आप फरमांदे ने जनाबे वाली, और यही वजह है कि ऐसे नेक लोग ने कि कई तो जिंदा रह के मुर्दा ने ना, ये मर के भी जिंदा ने।
नहीं कोई नहीं इरादा सुनूंगा, इरादा बनाओगे तो सुनावांगा, नहीं तो मेरे वाल जवाब दे। मैं कभी बेजौके बंदे नाल गल ही नहीं की, मैं ना अगले को सुनने का टाइम नहीं, फकीर को सुनाने का टाइम नहीं। जी तवज्जो दे नाल जरा मेरी बात फिर सुन लो, तो मैं बात अर्ज कर रहा। ऐसे लोग ने जेड़े मर के भी जिंदा ने। अंग्रेज जो हिंदुस्तान चो निकलिया ना तो एक जुमला कहिंदा निकलिया, उन्हें क्या उथे मैं की हुक्मरानी करनी है, जिथे अजमेर विच एक कबर पई हुक्मरानी कर दी है। हाँ? तो मैं बात दर्द कर रहे हैं हजरात अजी वकार, जिस वक्त कुरान ने इस वास्ते किया ना कि कियामत वाले दिन सारे एक दूजे दे दुश्मन होंगे, पर जड़े वली ने वो कियामत वाले दिन भी एक दूजे दे यार होंगे, सारे एक दूजे नु भुल जाएंगे, पर जिन्हें वली कामल दे हाथा में हाथ दिता होगा ना पीर मुरीद नु भुलेगा ना कामल मुरीद अपने पीर नु भुलेगा। हजरत दी वकार, तो मैं बात दर्ज कर रहा, जेड़े वेले थोड़ी बेटे और रिपीट कटा दे, जेड़े वेले आप दी शादी हो गई ते एक रात फिर वक्त आया जदो जनाबे वाली अल्लाह के निजामे कुदरत के मुताबिक ए पाक रूह जदो मां वल मुंतकिल होए, मां वल मुंतकिल होई इस वली दी, ते जनाबे वाली मियां साहब फरमांदे ने कदर मोती दा कदर मोती दा ए की जानल ते मिट्टी दे व्यापारी रल के ना जुमा शुरू कर लवी इधर आओ, मगर मिनट रह गए ने बतीते थी ते गल्लां बथेरियां ने, जे तुसी मेरे नाल पढ़ो ते मेरे ना दिमाग दी खिड़कियां खुल जांदियां ने, मैनू पता लगदा मैं जागदे बंदियां नाल गल करन दिया। एक वारी एलान सुनो अगली वारी मेरे नाल पढ़नी है। हां जी हजरात जरा तवज्जो फरमाओ, कदर वली दा ए की जानल ते मत जिना दी मां, तुसी मेरे नाल इतना ही कहना है कि मत जिना दी मारी कदर नबी दा ए की जानल ते मत जिनादी ना। यार एक बारी डट के जरा जोर ना लाख, डर लगता जी उन्होंने कहन लगे जिन्हें मत मारी है तुम्हें कदा डर लगता, उन्होंने डर कहन लगे कदर नबी दा ते मत जिना दी
हजरात जरा तवज्जो फरमाओ, तो मैं बात रद करनिया। एक रात हजरत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर आप दी वालिदा फरमांदियां ने, मैं सुती हां मेरी अख लगी अल्लाह दी वलिया हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप ख्वाब च मिलिया। फरमाया सैयद दादी मेरा सलाम कबूल कर ले। ते सैयद दादी फरमांदियां ने, मैं पूछिया जी तुसी कौन? आखिया मेरा नाम राबिया बसरी है। मैं तेनू खुश खबरी देना ही हां के जेड़ा तेरे बतन में चाहन वाला पुत्र है ओ रब दा वली भी होएगा कलंदर भी होएगा। ए जनाबे वाली मली भी होएगा कलंदर भी होएगा। तो गल सुन जदों दुनिया ती आ जावे, जदों दुनिया ती आ जावे ते ओदे कन दे अंदर पड़ी ले इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया सुन ले, फिर जदों बोलन चालन दे काबल हो जाए। आ जुमला गौर नाल सुनिया जे, राबिया बसरी हजरत उस्मान मरवंदी दी वसैबाल लाल शहबाज दी वालिदा नू फरमा रहीआं ने, जदों बोलन चालन दे काबल हो जाए, जदों गल्लां करे, एक दिन कोल बिठा के ओनू मेरा सलाम भी दे दई, मेरा पैगाम भी दे दई। ते हजरत राबिया बसरी नू ख्वाब दे अंदर वलिए कामल दी अम्मा पुछदी है, आंदी है बीबी तू ओनू कीवें जाननी है? ओ अज आया नहीं, तू ओनू वेख्या नहीं, ओ तेनू नहीं मिलिया, तू ओनू नहीं मिली, तू ओनू कीवें जाननी है? आखिया बीबी सुन ले, रब दे यारां दा तालक इस जहान विच नहीं जुड़दा, ए आलमे अरवा विच जुड़दा है। ओथे ओ मैनू जान दे, मैं ओनू जान लिया। रहन जो ना आखो कोनी जरूरत। हाँ हाँ जनाबे वाली आपने फरमाया मैनू जान दे, मैं जान लिया कदर वली दा। भुल गया हो करवो के मेरे नाल नींदर आ गई। कदर वली दा ए की जान ते मत जिना। हजरा जरा सुनिया जी, इधर मां लेटी है राबिया बसरी मिली, उधर बाप लेटिया ते मौला अली आ गए। उच्चा कह दो जरा वलियां दा मनन वाला बाकी मुंह बंद रखे दे यार। उधर जनाबे वाली बाप लेटिया, सैयद कबीरुद्दीन इब्राहिम लेटे, मौला अली आ गए, मौला अली आ गए, मौला अली आ गए। आपने फरमाया सैयद कबीरुद्दीन जी आका, फरमाया सुन ले अन करीब अल्लाह करीम तेनू पुत्र अता करेगा। मैं अकीदे दा इतना बड़ा जुमला कहन लगा, जेड़ा प्योर सुन्नियत नू समझदा होवेगा ओ ते तड़प जाएगा, बाकियां दा मैं जिम्मेदार नहीं। मौला अली ने फरमाया सुनिया दे अकीदे ते मोर ला दित्ती, और बाकियां नू जनाबे वाली गद्दार बना दिता। अली पाक ने फरमाया, फरमाया कबीरुद्दीन सुन ले, अल्लाह जेड़ा तेनू पुत्र देगा जदों दुनिया ते आ जाए ओदा नाम हजरत मुहम्मद उस्मान रख दवी। बोलो तो सही।
आपने फरमाया उहदा नां उस्मान रखी, डट के जरा बोलिया जे उहदा नां जिन्हों मौला उस्मान पाक नाल प्यार है, डट के बोलिया जी अंदर बैठा है या बाहर बैठा है मुहब्बत दे नाल, फरमाया उहदा नाम नहीं आवाज आई उहदा नाम उहदा नाम उस्मान रखी। मैं पूछया अली पाक उहदा नाम हसन नहीं रखिया, उहदा नाम हुसैन नहीं रखिया, उहदा नाम अली नहीं रखिया। फरमाया सियाल भी चुप कर जा, किधरे यारी भी तोड़ छाड़नी पैंदी है। फरमाया किधरे यारी भी तोड़ चाड़नी पैंदी है। पता लग गया उस्मान भी दमादे रसूल, उस्मान गनी भी दमादे रसूल, मौला अली भी दमादे रसूल, अली भी नबी दा जवाई है, उस्मान भी नबी दा जवाई है। सुनिया गौर दे नाल, ओ चार यार ने नबी दे, जिन्ना भी चो दो जवाई ने ते दो नबी दे सौरे ने। अबू बकर ने भी तीर नबी नू दित्ती, उमर ने भी तीर नबी नू दित्ती, नबी ने एक दो बेटियां उस्मान नू दित्तियां, एक बेटी अली नू दित्ती। कोई बंदा कह सकता है अजय बाल आया नहीं, अली नू किवें पता लग गया? ते गल ते ओ वे जड़ी कुरान ते पूरी आ गई, नहीं समझ आई? कुरान ते सिपारा बारवा सूरह हूद, एक बारी रलोगे मेरे नाल? सिपारा सूरह आयत नंबर 69, 70, 71 रलोगे फिर मेरे नाल? सिपारा सिपारा सूरा ऐत नंबर, सारे बोलो ऐत नंबर। जनाबे वाली हजरत सारा अलैहि सलाम, हजरत हजरत जनाबे वाली सारा अलैहि सलाम कौन ने? हजरत इब्राहिम दी बीवी ने। उम्र है 90 साल। किन्नी उम्र है? जनाबे वाली फरिश्ते कौन आ गए? मैं दसन लगा कि पता किवें लगदा, फरिश्ते जनाबे वाली कौन आ गए? जेड़े वाले जनाबे वाली आप दे कोल फरिश्ते आए, आपने किधर आए हो? उन्हें क्या खुशखबरी देन आए हो? ना यार, इंज नहीं, मैं कुरान जो पेश करन लगा, जिन्हां नूं कुरान दी समझ। भाई अबू बकर मुहब्बत दे नाल जरा जवाब देना, आपने फरमाया किधर आए हो? हजरत सारा बीबी सारा, हजरत इब्राहिम दी बीवी हाजरा भी बीवी ने, लेकिन सुनिया जे गौर दे नाल, हजरत सारा दी उम्र 90-92 साल है। फरिश्ते आ गए, बीबी पूछन लगियां, और फरिश्ते ओ किधर आए हो? आखिया जी असी तुहानू मुबारकबाद देण आए हां। फरमाया कादी मुबारकबाद? खुशखबरी देण आए हां, बशारत देण आए हां। फरमा केड़ी बशारत देण आए हो? कहन लगे जी असी आए हां। फरमाया कादी? उन्हां किया अल्लाह तुहानू पुत्तर देगा जिदा नाम हजरत इसहाक होएगा। बाप भी नबी ये, पुत्र भी नबी ये। हूं लेकिन आ जुमले की असल सुनने वाले, अजे पुत्र आए नहीं, कोई गल की समझ भी आती जुड़े कि कोई ना, पुत्र अजे आए फरिश्ते पहलो। हूं जनाबे वाली जो पुत्रा ने हूं गल सुनिया कि नाराज ना हो जो बुजुर्गों मेरी गल है, 90-92 साल च भी ये कोई खुशखबरी के चांस होंगे ना?
दुनियावी लिहाज नाल क्यों जी आजी आरू साहब आंदे ने कोई चांस नहीं आंदे हुण आई कुरान पे बयान करदा जनाबे वाली जदों फरिश्ते आके असी बशारत देन आया आप कुरान दे फदाहिकत जनाबे वाली बीबी सारा हस पईया आपने फरमाया की हो गया जे 90-92 साल मेरी उम्र है अगला जुमला सुनोगे ते तड़प जाओगे फरिश्ते आखिया बीबी की आखिया है आखिया 90-92 साल मेरी उम्र है तुसी आंदी अल्लाह पुत्र देगा ओदा नाम इसहाक होएगा फरिश्ते भी अगो हस पे ओने आखिया बीबी ए ते खाली पुत्र दा पे तेनू आनेया सुन फदाहिकत فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بيبي گل سن لے تو اپنا پتر بھی ویکھے گی جدا نا اسحاق اگو اسحاق دا پتر بھی ویکھے گی جدا نا یعقوب توجہ جناب والی آپ نے فرمایا فرما فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب آپ نے فرمایا بی بی تو اپنے پتر دی گل پئی کرنی ہے اللہ تینو اسحاق پتر دے گا اگوں جڑا پتر دے گا او دا نام یعقوب ہوئے گا تو اپنا پوترا وی ویکھیں گی ذرا غور دے نال سنیا دے اجے بچے دنیا تے آئے نہیں فرشتے پہلو خبر پہ دین دینے میں کیا کل دیا نیا تو آنے شیرہ کے جیڑا پہلو خبر دے دوے میں کیا چلیا جے فرشتے پہلو خبر دے دین تے شیرہ نہیں بندا تے کہ نبی تے ولی پہلو خبر دے دے شیرہ کیوں جے نبی تے ولی میں نہیں کیا قرآن نے کیا اور سنیا جے کس انداز نال کیا اور آپ دا انداز ویکھیا جے آپ نے فرمایا قالت یا ویلتا خاص کیا کیا وے فرشتے ہو کچھ خیال کرو میں بڈھی ہوں یہ قرآن دا انداز تکو ذرا ہاں جی میں بڈھی ہوں علی دو انا عجوز ہوں وہذا بالی شیخہ جنابی والی آپ نے فرمایا میں بھی بڈھیاں میرا بندہ بھی بڈھا ہے اگو فرشتے آندے نے پھر آندے نے ڈی حیرانگی علی گل سنا چڑی دے فرشتے آندے نے اِلنا ہاتھا لَشَيْءٌ لَعَجِيب ایک کیڑی حیران کی علی گل لے قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ وہ جتھے چاہے جدو چاہے جدے وال چاہے جدو چاہے جس طرح چاہے اپنے حکم دے نال زندہ بھی کر سکدے مردہ بھی کر سکدے گل دی سمجھ آگئی مولا علی نے فرمایا ایدہ نام کی رکھنا ہے پول گیا یار نہیں ڈٹ کے بولنا ہے میں تو انہوں یاد کر آکے بیجنا کی نام رکھنا ہے عثمان اے آپ دا نام کی سی عثمان عثمان مروندی لال شہباز کلندر دا کی نام ہے
कमर बंदी। आइए जरा सुनिए जनाबे वाली, जड़े वाले मां दी झोली बच आए, वक्त गुजरिया, 7 साल दी उम्र दे अंदर कुरान हिफ्ज कर लिया। असी आने वेख्या जे तेरा बाल साडा ए बी सी बड़ी तगड़ी पढ़ लैंदा है, तो फिर तू रह भी ए बी सी जो गई गया है। जनाबे वाली 7 साल दी उम्र दे अंदर आपने जनाबे वाली कुरान हिफ्ज कर लिया। हुन मैं 3 गल्लां छोटियां छोटियां अर्ज करनियां ने, ओनू गौर दे नाल सुनिया जे। आप दा नाम है उस्मान मरवंदी, लाल शहबाज कलंदर। मेरे नाल बोलिया जे लाल शहबाज कलंदर। मैं दसना एवें उस्मान मरवंदी लाल किवें बनया, शहबाज किवें बनया, ते कलंदर किवें बनया। बोल दे जाना यार, वक्त नहीं, जरा मुहब्बत दे नाल सुन दे जाना। एक दिन जनाबे वाली निके निके पत्थर लैके निके निके मैं दसने लगा, हजरत उस्मान मरवंदी लाल किवें बने ने। सुनिया जे जरा गौर दे नाल, आप झोली दे अंदर निके निके पत्थर लैके खेड देने पे, खेड देने पे। आज तेरा मेरा बाल खेडे बड़ा सोना लग दे, पर दस जरा ओदा अब्बा हुसैन वे। बेजौके बंदे नु एक बारी होज ते कराओ जरा, नवाकत चलिया समझ नहीं आई ना किदे पुत्र दा लिया गया। मैं जनाबे वाली दोबारा नाम लैन लगा, ओ जिदा बाबा हुसैन वे। आप हजरत उस्मान मरवंदी झोली दे अंदर जनाबे वाली पत्थर रखे होए ने, निके निके जनाबे वाली गीते रखे होए ने खेड देने पे। अचानक एक फकीर कोलों दी गुजरिया, फकीर कोलों दी गुजरिया, आंदा है कोई अल्लाह दे ना दा देन वाला, आखर औलाद हुसैन दी है, लजपाला दी औलाद है। आखिया है कोई अल्लाह दे ना दा देन वाला, बच्चे सन। आपने पत्थर उठाए फकीर नु देन लगे, फकीर आंदा सदा दे लजपाला दी औलाद है, बुए ते मंगत आ जाए तेनू पत्थर पिया देने, फिर मैं की देना चाहिदा है। आंदा कोई मोती दे, कोई हीरे दे, कोई दौलत दे, कोई पैसा दे, कोई लाल दे, कोई लाल दे। जनाबे वाली सुनिया जे गौर दे नाल, आखिया कोई लाल दे, कोई लाल दे। आपने जनाबे वाली अपनी झोली दे विचो पत्थर फड़े, इंज करके ओदे हाथ ते रखे, मुट्ठी नू बंद कीता, फरमाया बंद मैं कीती है, खोल तू ले। जड़ दले ओने खोलिया, ओ पत्थर लाल बन गए ने। पत्थर लाल बन गए ने कदर वली दा, कदर वली दा। ए की जानल ते मत जिला। अच्छा भाई थोड़ा कोई तलक वास्ता होना वलियां दे दुश्मनां नाल? खुदा दी इज्जत दी कसम मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तां डट के पढ़न दिया कि मैं उन्हां दे कलेजे च गल लाना चाहना। तुसीं हौली हौली पढ़ो, तुहाडी यारी खराब होण दा खतरा। तुहाडा कोई तलक वास्ता होना तां नहीं पढ़न दे, जिन्हां दा नहीं उह डट के पढ़ देना पै। ते उहनां नूं इह मतलब बेली सुन ना लवे, उहने आखना उत्ते सियालवी साहब दे सामने साडी मत मारी सी आ, इत्थे आके साडे नाल यारी लई ना पढ़ो। वो पढ़ो जिस जिस वली दा टुकड़ा खादा है, वली दे दर दा जिस खादा, वह तो चुप नहीं रहेगा। बजुर्गों मैं क्या नहीं,
अकबर डट के पढ़ना मेरे नाल कदर वलीदा ए सलामत रहो ते मत जिला डट के आख्या जिन्हां नूं लग पता जाए ए मत जिना आइए जरा सुनिया जी अपने उदे पत्थर हाथ में पकड़ा है पर मैं मुट्ठी बंद मैं की तू खोल ले जड़े वाले मुट्ठी नू खोलिया ते लाल बन गया लाल बन गया अगो फकीर पता की आंदे आंदे उस्मान लाल उस्मान लाल लाल हजरत उस्मान मरवंदी दे कदमा नू चुमिया ते आंदा जनिया ए दौलत कित्थों लईया फरमाया छलिया तेनू पता नहीं दादा मेरा अली है नाना मेरा नबी है अब्बा मेरा हुसैन सानू ए चीजा लैनिया नहीं पैंदिया असी नजर उठा देने आयो पूरी फरमा देने अगे चलिए जी जल्दी जल्दी जनाबे वाली आप शहबाद की में बने मलंगा कोल बथेरी वाली तुसी नारा सुने हजूर पीर सियाल दे फकीर कोल भी सुनो अन्ने वाह बसां ते चढ़े होंदे पता कोई नहीं लग तुहानू समझ जाएगी कि मैं गल किहदी करन डिया मेरे कोल टाइम भी मुकदा पिया हजरात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा हजरत उस्मान मरवंदी शहबाद किवें बने खुदा दी कसम जना याने रसूल दे मनन वाला है ओ तड़प जाएगा सैयद कबीरुद्दीन इब्राहिम फरमांदे ने एक रात मैं लेटिया मेरा शहजादा दुनिया ते आ चुकिया है मिलू ख्वाब दे अंदर एक बारी आका हुसैन मिले हुसैन मिले हुसैन मिले हुसैन मिले हुसैन मिले कुर्बान जावा ओदे मुकद्दरा तो ओ जेड़ा एक बारी लेटे ते अली मिले एक बारी लेटे ते हुसैन मिले आप फरमांदे ने जनाबी वाली इमामे हुसैन मिले आपने फरमाया सैयद कबीरुद्दीन इब्राहिम जी आका हुसैन फरमाया अल्लाह जेड़ा तेनु पुत्र दिता है फरमाया सुन मेरे आका ने मेनू एक शहबाद दिता सी जायो शहबाद मैं तेनु अता कीते ओ शहबाद मैं तेनु अता कीते ए शहबाद किसे मलंग नहीं बनाया हजरत उस्मान मरवंदी नू शहबाद आका हुसैन ने बनाए अगे चलिए जनाबे वाली कलंदर किनू कहंदे ने कलंदर याद रखिया अज हर कलंदर सूफी है नहीं समझ आई हर कलंदर सूफी है लेकिन हर सूफी कलंदर नहीं जे कलंदरा ने किलू ने आ सुनिया जे गौर दे नाल गल विच तस्मियां पाण वाला पैरां च कड़े पाण वाला हत्थां च छापां पाण वाला ते साल साल ना नान वाला ते जनाबे वाली कपड़े फटे पुराने या चोखे पाण वाला या बिल्कुल लीलाण वाला इहनू कलंदर नहीं आंदे जिन्ने ना कदे निमाज नीती ना कदे कदा कीती ना कुछ कीता ना कुरान पढ़िया ना रोजा रखिया एवें नारा मार छड़िया मैं कलंदरा कलंदरों नू कहंदे ने जेड़ा रब दी रज़ा दी खातर घर भी छड़े पार भी छड़े दुनिया भी छड़े हर शै नू छड़ के एक खुदा नाल लो ना ले दूजी मुस्तफा न
कलंदर आंदन। आपने कुरान किन्ने साल की उम्र की फज कीता? मेरे कोल किताब अंदर पई, मैं कसम चुक के आना मैं पूरी किताब पढ़ी है, एक हरफ नहीं बेच आया जिदे बेच आया होवे कि कलंदर पाक ने एक बारी भी कमाल पाई। कुरान मेरे सामने पे, मैं नहीं पढ़ के आया, मैनू नहीं नजर आया दस कि एक बारी भी। उच्चा बोलो, बोल देने एक बारी भी कमाल। कुरान किन्ने साल की उम्र हिफ्ज़ कीता सी? हिफ्ज़ कीता। आ जिहड़ियां बसां भर के जांदियां ने, इन्हां च हाफिज़ किन्ने ने? इन्हां च वुज़ू नहीं आउंदा, वुज़ू नहीं आउंदा इन्हां नूं। ते 7 साल की उम्र च। अगली गल सुन लो फटाफट। दरसे निजामी पूरा पढ़िया, दरसे निजामी दे तुलाबा जानते ने सरफ नहव के अंदर। आप इतने माहर सन कि शायद रूहे जमीन तक कोई इतना माहर होवे। आपने फिर किताबां लिखिया फारसी दिया। नहीं दिल करता पे बोलन ते, क्योंकि तुहाडे मिजाज की गल ही नहीं। हाँ जी, आपने जनाबे वाली सरफ नाव ते आपनू बूर भी हासिल, आपने किताबां भी लिखिया। और अगला जुमला सुनोगे, दीन नाल प्यार करने वाला बड़ा तड़पेगा। और मैनू नहीं पता कि खाली मस्त कलंदर दे नारा लाने वाले नूं फकीर का जुमला समझ अच्छी नहीं आएगा। और खाली पढ़िया नहीं, पढ़ाया भी है। आप जदों जनाबे वाली पढ़ाया किस अंदाज दे नाल सुनिया जे, आपने सब तो पहले मुल्तान शरीफ हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी दे मदरसे विच कई साल रह के कुरान भी पढ़ाया, हदीस भी पढ़ाई। ऐ छतां दे बह के चढ़ के जाण वाले किन्ने इन्हां चो कुरान पढ़े ने, किन्ने इन्हां चो हदीस पढ़े ने। हाय हाय, कुरान पढ़िया भी पढ़ा। अगला जुमला सुनो, और जिन्हों समझ आवे वलिया नाल प्यार करने वाला, दीन नाल मुहब्बत करने वाला, डट के जवाब दे। आज जनाबे वाली आपने खाली पढ़िया नहीं, पढ़ाया भी है। ऐ मैं हुन जुमला कह लगा, आप जदो सेवन शरीफ सल आपने अपना मदरसा बनाया जिदा नाम जामिया फकीहुल इस्लाम है। मैनू चासनी भी आई थोड़ी जवाब की सही गल, नाराज ना हो जे। मुंडिया तो बोलना नहीं सी, क्योंकि उन्होंने मिजाज के खिलाफ गल हो रही है। तो मेरे अपने उन्हें बोलना चाहिए सी, जेडे वलिया नाल सुचा प्यार करने वाले। मैं दोबारा कह लगा, जनाबे वाली आपने जड़ा मदरसा बनाया उहदा नाम जामिया फकीहुल इस्लाम है। जामिया फकीहुल इस्लाम है। आपने मदरसा भी बनाया, लंगर खाना भी बनाया। आप दे कोल जदों भी कोई बीमार आउंदा है, आपने सूरह फातिहा पढ़नी, सूरह फलक पढ़नी, सूरह नास पढ़नी, कलमा शरीफ पढ़ना, आका ते दरूद ओ सलाम पढ़ना, पानी ते फूक मार देनी। फरमाया जा पानी पी ले, ना बीमारी रह जाएगी ना मुश्किल रह जाएगी। तवज्जो तवज्जो, मेरा टाइम खत्म, तवज्जो कर दी। एक मिनट, आप जनाबे वाल वक्त गुज पढ़ लिया, पढ़न तो बाद मुर्शिद कामिल की तलाश, पीर मिले, आप उतों निकले। हजरत ए सुनिया जे, ओ सुनियो तवज्जो है तुहाडी, धौन की वर्दश नहीं करनी, मेरी गल सुननी ते गौर दे नाल, तवज्जो दे नाल, बड़ी मेहरबानी। आपने इमाम आजम अबू हनीफा दे मिजार ते हाजरी दिती, हाजरी दे के लोगों नूं दसिया किसे भुलेखे च ना रहा जे मैं सुन्नी दे। सिर्फ सुन्नी बोल दियो जिहदी जुबान काम करदी है, बाकी रहण दियो यार। ना विखावां ते मैं जिम्मेदार हां। इमाम आजम दे जनाबे वाली मीदार ते आपने हाजरी दित्ती, फिर जनाबे वाली आप चले ते फिर पता जे किथे आए, बगदाद शहर दी।
निशानी एते उचिया लमिया ए चीरा हू ए तन मेरा ए पुरजे पुरजे जिवे दर्जी दिया ए लीरा हू ए ना लीरा ती गल कफनी पाके ते रल सा संग फकीरा हू बगदाद शहर दे ए टुकड़े मंगसा या हजरत बाहु ते करसा मीरा मीरा तवज्जो आप फरमांदे ने मैं बगदाद शरीफ पहुंचया ते हुजूर इंज अख लगी ना ते हुजूर को सियादुन दा दीदार नसीब होया। आपने फरमाया उस्मान जी हुजूर फरमाया चल हज करके आ। फरमांदे ने मैं हज कीता हज करके मैं मदीना पाक पहुंचया 11 महीने दरे रसूल ते बैठे रहया। किन्ने महीने 11 महीने उधर टुरन लगे तो ख्याल आ गया तो फिर हज आ गया फिर हज आ गया फिर निकले आप जनाबे वाली दोबारा हज कीता हज करके ते आप फिर जनाबे वाली उधर टुरे टुर दे पता नहीं बेजौके बंदे नु समझ आवे ना आवे आप टुर दे ए इथों लंगे हाय 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 भाई जी ये लांगा ही बलिया दा ए लांगा ही बलिया दा आप जनाबे वाली गुजरा वाले हो गुजरे पूछा कह दो तू इधर गुजरा वाले हो और जेड़ा भाई जी रहन दो जेड़ा नारो वालों आया चुप रहो बाकी डट के कह दो सुभान अल्लाह आप जनाबे वाली गुजरा वाले हो गुजरे चल दे फिर आप पहुंचे गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिनारा नुमा आप दाता साहब दी बारगाह विच हाजरी दे के फिर चले जनाबे वाली अजमेर शरीफ 40 दिन ख्वाजा साहब दे कदमा विच बैठे आपने फिर आप ख्वाब विच मिले ख्वाजा साहब फरमाया उस्मान जी हजूर फरमाया चल उन सिउस्तान चला जा जिन्नू अज सेवनचरी बांधे ने यही सिउस्तान सी चल उथे चला जा फरमांदे ने फकीरां नूं मैं नाल लिया ते जदों मैं मकरान दे इलाके च पहुंचया ते मकरान दे इलाके इंज करके इलाके दे लोकां मैनूं इंज करके वेख्या ते इक विच बाबा खलार के कहण लगा ओ जनेऊरा में ना कौन है हाय हाय टाइम उत्ते हो गया 2-3 मिनट में अजे ते इक गल भी नहीं हो सकी जनाबे वाली आपने फरमाया कौन है बाबा कहण लगा जनेआ कौन है फरमाया मैं सैयदा जुमला जनाबे वाली आपने सुनिया जे गौर दे नाल आपने फरमाया मैं सैयदा ओ जनाबे वाली बाबा पैरां विच डिग पिया बाबा कहन लगा चनिया कलमा पढ़ा दे आपने फरमाया खैर ओ साकिया मैनू अज समझ आई है ओ जिदा पुत्तर एडा सोना है ओ हुसैन कितना सोना होएगा ओ जिदा हुसैन इतना सोना है ओ अली कितना सोना होएगा ओ जिदा अली इतना सोना है ओ साली दा नबी मुहम्मद कितना सोना है ओ कितना सोना होएगा आओ ना हाय फरमांदे ने मकरान दे लोगां पढ़िया कलमा सूरत वेख के हाय 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 सूरत है वेख के जनाबे वाली उन्होंने जड़े वाले कलमा पढ़िया
फरमाते ने मैं मकरान तो चलिया तो सेवन शरीफ पहुंचा ते जेड़े वेले फकीर नाल सन सारे ते फरमाते ने ये अड्डा सी फाशा और सांदा ते जिथे वली उठे जाके बैंदा ये ते तबलीग नहीं ना बंदे अपने नु पहुंचो खिलार के आके के कलमा अपने बंदा पहुंचो अपने नु खिलारी आवे कलमा पढ़ो जी वली जा किथे बैठा जिथे फाशा औरतां दा डेरा सी फकीर है जो लगा उन्हें क्या जरूर चलिए पर मैं किधर जाना उन्हें क्या जरूर इतने तो फाशी फाशी है फिर मैं दवाई उठे दे दी जिथे मर्ज हो गए पर मैं दवाई की लोड़ मरीजा आती है कि सेहतमंद आती है हजूर मरीजा आती तो फिर मैं इतने सारे मरीज ने ते कमली वाले मैनू तबीब बना के कल्या बीबियां कोलो बंदे आने जाने बंद हो गए आने जाने बंद हो तो उन्हें जा दसिया राजे नू जेड़े वेले राजे नू दसिया उन्हें तो राजे आके की होना क्या बंदे को नहीं आंदा उन्हें क्या वजह उन्हें क्या फकीर आ गया बंदा ओनू नहीं आंदे जिदा कद काट बड़ा होवे जिहड़ा 20 25 30 रोटियां खा जाए बंदा ओनू आंदे ने जिहड़ा नजर करके अगो बंदा बना दे हां उन्हें कहा जी की होया उन्हें कहा जी अल्लाह दा बंदा आ गया फिर उन्हें कहा जी वह तो नहीं जाता वह तो इत्थे बैठा है बीबियां टुरियां टुरियां ने कहा बाबा जा अपना किधर कम कर फरमाया अल्लाह की कसम मेरा कम है ही इत्थे मेरा कम है ही इत्थे जिथे कम सी उथे मैं आके लग गया जिथे कम सी उथे मैं आके जनाबे वाली मैं लग गया औरतां कह लगियां बाबा नहीं जाना जनाबे वाली आपने फरमाया मैं नहीं जाना औरतां टुरियां टुरियां राजे दे कोल गईयां जाके कह लगियां राजा उस्मान मरवंदी लाल शहबाद कलंदर आंदे मैं नहीं जाना राजा अपने सिपाहियां नू नाल लेके टुरिया आंदे बाबा उठना के नहीं उठना फरमाया दालिमा चुप कर जा और जिनू कमली वाला बिठा दे मां ने जमिया ही नहीं कोई ओनू ही उठा दे पर मैं मां ने जमिया ही नहीं कोई ओनू उठा दे कदर वली दा पढ़िया जी मेरे नाल ए की जान तू सुट ले फटाफट फिर तू भी पढ़ना सारे सुट दे ते जेड़ा देन आंदा ओनू इंज वेंदे ने कि अगो देन ना आवे मेरे नाल हूं डट के पढ़ना जे कदर वली दा ए की डट के आखिया जे मत जिना दी डट के जिना बलिया नाल प्यार है उन्हें दौक नाल एक बारी आखो फिर मैं आखरी गल करा ते मत जिना दी जनाबी वाली आपने फरमाया कोई जमया ही नहीं बीबिया ने हाथ जोड़े आखिया बाबा या साडे अल्ला जा जे एडा जना है ते सानू अपने वल ले जाए फरमाया जाओ वुदू करो वुदू कराया जनाबे वाली कयाम च खड़िया कीतिया फरमा खलो जाओ जड़े बल खलो गईया कयाम कीता रकू कीता सिजदे विच गए अर्ज कीती या अल्लाह एथों तक लियाउणा मेरा कम है अगो जिंदगी बदल देना तेरा कम है जड़े बल सलाम फिरिया उठ के आप परायों लगे बीबिया ने हाथ जोड़े उन्हें क्या बाबा गल सुन ले आईया अपनी मर्जी नाल सा जाना तेरी मर्जी नाल है उन माल भी तेरा है जान भी तेरी है माल भी तेरा है ते जान भी तेरी है तकबीर
बजो। उन्हें आख्या बाबा आई अपनी मर्जी नाले जाना, तेरी मर्जी दे नाले तू गल ते करना। एने अल्लाह दे वली जड़े नजर करन ते तकदीर बदल के रख देन दे। आप उठी बैठे रहे एक दिन ना, बस यही आखिरी गल है और जे विच एक पैगाम भी देना चाहना। सुनिया जे जरा गौर दे नाल, आप 29 शबान होवे, आप रोटी पे पकान अग बली, रोटी पे पकान अचानक ऐलान हो गया, हुण मैं इस्तकबाल भी हो जाएगा। तो तुहाडे नाल वड्डा इस्तकबाल करन वाला कोई बंदा नहीं। जिहड़े बाहर बैठे हो, जितना प्यार होवे जिस मैं जिदा नाम लैण लगा ओहदे नाल जिन्ना प्यार होवे डट के बोलिया जे। आप जनाबे वाली रोटी पका रहे ने, अचानक ऐलान होया रमजान शरीफ दा चन्न नजर आ गया। हाय हाय हाय, अचानक ऐलान होया रमजान दा। बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों, डर काली गया? जिन्ना रोजे रखने ने ओते बोलो ना, रमजान दा चन्न नजर आ गया है, आ गया है। आपने जनाबे वाली तवे नू रोटी नू लाया, ला के जड़ी अग बलदी है पई, ओदे विच हाथ रखिया, रोटी नू भी उथई अग भी उथई चल चुकी ते जा के रख दित्ती। पूरे रमजान शरीफ दे रोजे रखे, फिर जनाबे वाली जड़े फकीर ने रोटी लांदियां वेखिया, वो महीने तो बाद आ गया, कह लगा हुजूर रमजान मुक गया है। आपने फरमाया मेरी चुल लिया, चुल लिया दी, रोटी भी ओवें खलोती है, अग भी ओवें बलदी है। रोटी भी ओवें खलोती है, अग भी ओवें बलदी है। ये रमजान का इतराम थी, हर शह ठप के रख दी। अल्लाह कीता रमजान च जिन्ने कंजर ते जिन्ने कंजरियां उन्हां नू मजहबी स्कॉलर बना के टीवी ते बा दिता जांदा। उन्हां को पहले तुसी दूजी अदाकारी पे करदे सो, हुण मजहबी जरा लोकां नू अदाकारी करके विखाओ। करोड़ा रुपया एक महीने का एक एक अदाकार लैंदा है, करोड़ा रुपया। मौलवियां नू किवें बुलाण, इन्हां नू पता मौलवियां साडा भेजा ला देण अंदरों टीवी ते बाया ते। उधरों त्रावियां दा टाइम है, उधरों जिन्ने बदमाशी वाले शो ने एन त्रावियां दा टाइम ला दिते जांदे ने। साडी आवाम टिक के बैठी, मैं क्या त्रावियां नहीं पढ़न जान दिया? हाफिज़ होरी लम्मियां बड़ियां कर देंदे ने। मैं क्या तो त्रै सकिंट देना? हाफिज़ होरी मौलवी जी लम्मियां बड़ियां कर देंदे ने। फिर जनाबे वाली कम दा टाइम है, गप्पा मारन दा टाइम है, फिल्म ड्रामा वेखन दा टाइम है, टीवी वेखन दा। मैं क्या टीवी वेखी आउण दे, रोजा पिया गुजारना। मैं कि अल्लाह की कसम जिन्हें रोजा रखे है ना, टीवी अगे नहीं गुजार दे। जिन्हें रोजा रखे है ना, वो टीवी अगे नहीं गुजार दे, या कुरान पढ़ते गुजार देने। मेरे करीम आका ने फरमाया, फरमाया याद रखिया जे रमजान दा हया करिया जे, रमजान दा अदब करिया जे। आका अदब कीवे करिए? फरमाया दिने कुरान पढ़िया जे, राती नफल पढ़िया जे। दिने कुरान पढ़िया जे, राती नफल पढ़िया जे। हाँ जी, कम करिए, रोजा रखिए। मैं क्या जो दिल कर दे कर, बस इंतजार कर कबर कदों आती है, फिर हर शह टोर के तेरे सामने रख दी जाएगी। आपने जनाबे वाली मदरसा फकीहुल इस्लाम सेवन शरीफ के अंदर खोलिया आखिरी टाइम तक, और दो मिनट और दे दो, 15 मिनट अज मैं तुहाडे उत्ते लै गया। अपनी जात वास्ते नहीं, इस फकीर का जिक्र मैं तफसीली करना बड़ा जरूरी समझना था, साढ़े मुंडिया नूं नहीं सी पता। और हुण आखिरी जुमले सुनो, जो विसाल का टाइम आया बेहोशी तारी हो जाती थी, जदों होश आती थी पता की पुछते सन, नमाज का टाइम हो गया? हाय हाय, नमाजियों तो समझ आई है की पुछते सन, नमाज का टाइम हो गया? तो फिर किसी ने पूछा, जरूर परेशान क्यों, किसी यार नू बुलाइए? फरमाया मेरा तो यार है ही कोई नहीं। फरमाया ना मेरा कोई अमल है, ना मेरा कोई यार है। तो हजूर फिर सुने अज तवज्जो दे नाल, फरमाया मेरा ताल्लुक खुदा नाल है। मैं किताब जुमले जड़े हैं लिखे ने, मैं तुम्हें सुना रहा, मेरा तल्लक
आपने जनाबे वाली फरमाया, फरमाया मेरा तल्ल खुदा ना ले, फरमाया मेरा वसीला मुस्तफा है। सुनिया जी हजरत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर दी आखरी जुमले, फरमाया मेरा तल्ल खुदा ना ले, मेरा वसीला मुस्तफा है, और आका तो बाद मेरे यार सारे नबी दे सहाबा ने फरमाया उन्हां दे विच्चों फिर मेरा ताल्लुक अबू बकर दे नाले, उमर दे नाले, उस्मान दे नाले, अली दे नाले। आपने दसिया लोगों जेड़ा इन्हां दे नाल इन्हां दा बुगद रख के सेवन शरीफ आवे वड्डा गद्दार है जेड़ा इन्हां दा प्यार लैके मेरे दरवाजे ते आवे उयोई वफादार है, उयोई वफादार है। आखिरी जुमले आप दे साल तो पहले आए सन कि मेरा चौवां यारां नाल भी प्यार है, आले रसूल नाल भी प्यार है, असाबे रसूल नाल भी प्यार है। की होया जे कोई गैर उत्थे काबज हो गए ने, ते कब्जा उन्हां दा है, पर अज भी दिलां ते कब्जा हजूर दे गुलाम सखी लाल शहबाज कलंदर दा। अल्लाह करीम इन्हां नेक कस्तियां दी सीरत ते अमल करके जिंदगियां बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।